तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और आपका स्वागत है टी वाई जी सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश नो कमाल के सभी सूट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 के बारे में। आप सबको पता होगा कि भाई ये मार्केट में इस वक्त बहुत कमाल कमाल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जिनका बजट आपका काफ़ी तक है, लेकिन जो आपका सबसे अच्छा इंडियन सेगमेंट है वो है दोस्तों अंडर 10,000। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर वो पबजी जैसे हाई एंड गेम को खेल पाएँ केवल 10,000 रुपये के बजट में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फ़ोन लेके आए हूँ जो आपको अंडर 10,000 में मिलते हैं Amazon, Flipkart के ऊपर, साथ ही वो आपको ऑफलाइन मार्केट में देखो मिल जाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी आने वाली और भी ऐसी औसम वीडियो को देख पाओ। तो अगर हम बात करें ऐसे फ़ोन के बारे में तो बता दूं कि मैंने इस लिस्ट में केवल 4 फोन्स को रखा है, क्योंकि गाइस अभी बात करूं तो मार्केट में मुझे केवल 4 फोन ऐसे लगे जो कि गाइस आपके वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है फॉर पबजी मोबाइल। तो चलिए फटाफट बात करते हैं उन स्मार्टफोन के बारे में। एंड दोस्तों, अगर मैं सबसे लास्ट वाले फ़ोन की याद करूँ तो बता दूं जो फ़ोन उनके लिए है जिन्हें एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिनका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस के बारे में। अब ये चौथे नंबर पे क्यों है, क्योंकि ये फ़ोन आता है केवल आपका 8,000 रुपये में, जिसमें आपको मिलती है 3 GB रैम, साथ ही 32 GB की इंटरनल मेमोरी। इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है 6.82 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस है 263 PPI पर, और एक IPS LCD वाला पैनल है। इस फ़ोन में आपको दिया जाता है 13 MP का मेन कैमरा, साथ ही ग्लो लाइट सेंसर, साथ ही फ्रंट में कंपनी आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देती है जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच की बार आता है। फ़ोन में आपको मेन साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है जो कि आपके फ़ोन के बैक साइड आता है। एंड अगर दोस्तों बात करें इस फ़ोन के बैटरी बैकअप के बारे में तो बता दूं, इस फ़ोन में आपको मिलता है 6000 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि आपका किसी भी प्रकार की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। एंड दोस्तों, इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek का Helio A25 वाला प्रोसेसर, जो कि आपका बेस है ऑक्टा कोर के ऊपर। अब ये फ़ोन किन लोगों के लिए है, पहले बता दूं कि अगर आप गेमर हो तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं है। ये फ़ोन मैंने मेनली उन लोगों के लिए रखा है जो कि एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं, या फिर एक स्टूडेंट है, या फिर एक बिजनेसमैन है जिन्हें एक बजट में ऐसा फ़ोन चाहिए जो जिसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा हो, साथ ही डिस्प्ले बड़ा हो, ये फ़ोन उनके लिए। एंड दोस्तों बता दूं, ये आपका एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, मतलब कि आपका चाइनीज़ फ़ोन नहीं है, इसलिए मैंने इस फ़ोन को इस लिस्ट के अंदर रखा। सो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन होगा इस फ़ोन के लिए कि मुझे कमेंट करके बताना। अब चलिए बात करते हैं अपने गेमिंग फ़ोन्स के बारे में। अगर हम गेमिंग फ़ोन्स की बात करते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो कि थोड़ा सा महंगा है लेकिन 10,000 के बजट में आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वीवो की U20 के बारे में। जो वीवो U20 है उसका प्राइस अप और डाउन होता रहता है, जहाँ पे इस वक्त उसका प्राइस चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है केवल आपका 10,500 रुपये, जिसमें आपको मिलती है 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी। साथ ही इस फ़ोन में आपको कंपनी 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देती है, जो कि आपका बेस है 395 PPI पर, और एक IPS LCD वाला पैनल है। इस फ़ोन में जो आपको कैमरे मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 60+8+2 MP के ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप, साथ ही में एक LED फ्लैश और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही कंपनी सेल्फी में आपको 60 MP का सेल्फी कैमरा देती है जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच पर आता है। एंड इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि आपका 18 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ ही इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपका ऑक्टा कोर के बेस है। सो दोस्तों, जो आपका ये प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 675 वाला, जो एक्चुअली बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। एंड अगर आप इस प्रोसेसर की बात करते हो तो इसके अंदर आप इजिली पबजी को 60 FPS में खेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये केवल इकलौता ऐसा प्रोसेसर है जो पबजी को 60 FPS में चलाने की क्षमता रखता है 10,000 वाले बजट में। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि आपका एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आता हो, साथ ही उसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन हो जाता है इस लिस्ट के अंदर। साथ ही बात करें अगर अपने हम तीसरे फ़ोन के बारे में, तो जो गाइस तीसरा फ़ोन है वो है दोस्तों रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 10 है। अब आप तो सब रियलमी को जानते होंगे, आपको पता होगा कि रियलमी इंडिया में एक सीरीज लेके आई थी जो कि थी रियलमी नार्जो। तो दोस्तों, ये उसी लिस्ट का एक फ़ोन है जो कि रियलमी नार्जो 10 है। एंड दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की तो बता दें, इस फ़ोन में आपको मिलता है 9,000 रुपये में 3 GB रैम और 32 GB की इंटरनल मेमोरी। साथ ही कंपनी आपको इसका एक और वेरियंट देती है जो कि आपका आता है 10,000 रुपये का, जिसमें आपको मिलती है 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी। अब अगर आपको ये फ़ोन पबजी के लिए चाहिए तो बता दूं, आप इसका
10,000 वाला वेरिएंट हो, क्योंकि जो दोस्तों आपका 10,000 वाला वेरिएंट हो उसमें आपको रैम ज़्यादा मिलती है, साथ ही स्पेस ज़्यादा मिलता है। एंड अगर आपको पता हो भाई, पबजी केवल आपके दो ही चीज़ के रिक्वायरमेंट ज़्यादा करता है आपके फ़ोन के अंदर, एक तो गाइस रैम हो गया, दूसरा का प्रोसेसर हो गया। एंड दोस्तों अगर आप देखते हो इसकी स्पेसिफिकेशन तो बता दूँ, इस फोन आपका जो डिस्प्ले मिलता है वो दोस्तों आपको मिलता है 6.5 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस है 270 PPI पर, और एक IPS LCD वाला पैनल है। मतलब कि इसमें जो डिस्प्ले वो काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी प्यारा डिस्प्ले लगता है इस देखने में। साथ ही बात करें इसके कैमरे के बारे में, तो इस फोन में कंपनी आपको मेन साइड पे 3 कैमरे देती है, जहाँ पे इसका जो मेन कैमरा है वो है दोस्तों आपका 12 MP का, साथ ही 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया जाता है और 2 MP का आपको मार्को सेंसर दिया जाता है। बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में तो बता दें, फ्रंट में कंपनी आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देती है, जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच पर आता है। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपके किसी भी प्रकार की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। एंड ये फ़ोन आपका मीडियाटेक के हेलियो G70 के साथ आता है, और इस फोन में कंपनी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देती है, और जो इसका प्रोसेसर है वो दोस्तों एक ऑक्टर कोर प्रोसेसर है। मतलब कि अगर बात करते हो इस फोन की तो बता दूं, ये फोन पबजी को इजीली 40 FPS में चलाने के लिए कैपेबल है। साथ ही अगर आप GFX 2 के यूज़ करते हो तो आप आसानी से पबजी को 50-55 FPS में आराम से खेल पाओगे। एंड ये फोन मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये फोन अगर आपके बजट वाला फोन है, साथ ही ये फोन आपको फिक्स 10,000 का मिल जाता है इस वक्त मार्केट में। साथ ही बात करते हैं आज के हमारे पहले फ़ोन के बारे में, जो कि इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। एंड जो दोस्तों जो फ़ोन पहले नंबर पे है वो है दोस्तों Redmi का लेटेस्ट फ़ोन Redmi 9 Prime। अब Redmi 9 Prime इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि वो फ़ोन आपका केवल 10,000 रुपये का आता है, जिसमें आपको मिलती है 4 GB RAM, साथ ही 64 GB की इंटरनल मेमोरी। साथ ही दोस्तों बात करें हम इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो बता दें, इस फोन में आपको मिलता है 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस है 395 PPI पर, और एक IPS LCD वाला पैनल है। साथ ही दोस्तों कंपनी आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देती है, जिसमें आपका मेन कैमरा है 13 MP का, साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का डेप्थ सेंसर, 2 MP का मार्को सेंसर देती है। साथ ही बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में तो बता दें, फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देती है, जो कि गाइस आपको वाटर ड्रॉप नॉच की बार आता है। एंड दोस्तों इस फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है, साथ ही फोन के अंदर आपको 5020 mAh की बैटरी दी जाती है, जो कि आपकी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलियो G80 वाला प्रोसेसर, जो कि आपका बेस है ऑक्टा कोर के ऊपर। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आपका आता है 10,000 रुपये का, जिसमें आपको कंपनी 4 GB RAM और 64 GB की इंटरनल मेमोरी देती है। अब ये फ़ोन इस लिस्ट में क्यों है और भाई पहले नंबर पे क्यों है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर होगा। तो बता दूँ, ये फ़ोन इस लिस्ट में पहले नंबर पे इसलिए क्योंकि ये इस लिस्ट का एक लौता फ़ोन है, जो कि आपका फिक्स 10,000 का आता है। साथ ही इसमें जो कंपनी का डिस्प्ले देती है वो दोस्तों फुल HD वाला डिस्प्ले, मतलब कि इस लिस्ट में एक लौता फ़ोन है जो कि फुल HD डिस्प्ले लेके आता है। और जो वीवो U20 है थोड़ा सा महंगा हो जाता है 10,000 रुपये से। साथ ही जो इसका प्रोसेसर है Redmi 9 Prime का, वो आपका हेलियो G80 है, जो कि इजीली 60 FPS में पबजी चलाने की कैपेबल है। साथ ही कंपनी अपडेट करके भाई इसे 60 FPS में चलवा भी सकती है। सो दोस्तों ये फ़ोन इसलिए पहले नंबर पे क्योंकि अगर आपको बेस्ट गेमिंग फ़ोन चाहिए अंडर 10,000, तो भाई Redmi 9 Prime आपके लिए बेस्ट फ़ोन है, जो कि लेटेस्ट फ़ोन है, साथ ही लुक वाइज बहुत प्यारा लगता है देखने में। सो दोस्तों ये थे हमारे 4 फोन जो कि मैंने इस लिस्ट में रखे थे। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को जहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही अगर आप वीडियो को डिसलाइक करते हो तो कमेंट करके जरूर बताने कि वीडियो आपको क्या खराबी लगी। साथ ही अगर आप खराबी बताओगे मैं उसे अगले टाइम फिक्स करूँगा। सो दोस्तों भाई आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारे आने वाली और भी ऐसी वीडियो देख पाओ। तो मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।